तो दोस्तों बात है ऐसी कि बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन लगने से पहले स्मार्टफोन परचेज कर लिया था। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि स्मार्टफोन परचेज करने के बाद में लॉकडाउन में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन की वजह से जो आपके स्मार्टफोन्स परचेज थे, जो नॉन एसेंशियल आइटम्स में थे आते थे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे या स्मार्टफोन्स या फिर आपके ट्राईपॉड, तो वो सब नहीं आ सकते हैं, नहीं आए किसी का। अभी लॉकडाउन 40 दिन होने वाला है, कल 40 दिन हो जाएगा। तो दोस्तों अब ऐसा है, कुछ छूट मिलने वाली है नॉन एसेंशियल आइटम को लेके, कि जो आपको ज़रूरी सामानों को अलग, यानी जो आपकी ज़रूरी सामान है एसेंशियल आइटम्स के अलावा भी आपको नॉन एसेंशियल आइटम्स पे भी छूट मिलेगी। आप उसको जो परचेज़ है वो कर पाएंगे अपने फ़ोन का। अगर आप एक स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते हैं लॉकडाउन में, किसी स्मार्टफोन की कीमत कम हो गई है, बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनकी कीमत कम हो गई, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि स्मार्टफोन नया परचेज़ कर लें। तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो, तो वीडियो के एंड तक देखिए। बात करते हैं कि जो 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, 3 जोन में बांटा गया है, जो कि COVID-19 के जहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स हैं उनको उस कैटेगरी में रखा गया है। तो आज बात करेंगे उसी में कि ये जो ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन है, ये क्या है और कैसे कैसे आप नॉन एसेंशियल आइटम्स की शॉपिंग या फिर परचेजिंग कर सकते हैं अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों बात है कुछ ऐसी, जो रेड जोन है वहाँ पे ऐसा है कि अभी ऐसे कुछ मरीज़ हैं जो कि लगातार मिल रहे हैं, लगातार वहाँ पे जो COVID-19 यानी कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनकी जो संख्या डेली बाय डेली बढ़ती जा रही है, यानी बंद नहीं हो रही है। ऐसे क्षेत्रों को चाहे वहाँ पे रोज़ाना 2-4 मरीज ही मिले, लेकिन ऐसे जो एरियाज़ हैं उनको रेड जोन में रखा गया। और बात करते हैं जो ऑरेंज जोन है दोस्तों, तो ऑरेंज जोन है जो उसको रखा गया है कि, यानी ऑरेंज जोन का मतलब ये है कि वहाँ पे पहले पेशेंट्स मिले थे लेकिन अभी 2-4, 10 दिन से या फिर 20 दिन से कोई पेशेंट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर ऐसा है कि पिछले 21 दिनों में कोई पेशेंट्स नहीं मिला है, अगर कोई मिल रहा है तो पीछे से जो लोग मिले हैं वो लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। तो ऐसे जो एरियाज़ हैं उनको रखा गया ऑरेंज जोन के अंदर। और बात करते हैं ग्रीन जोन की, तो ग्रीन जोन है वो जहाँ पे कोई भी पेशेंट्स COVID-19 का या कोरोना वायरस का कोई भी पेशेंट नहीं मिला है, तो ऐसे एरिया जो हैं उनको ग्रीन जोन में रखा गया है। तो जो ग्रीन जोन है वो सबसे सेफ है। तो बात करते हैं कि कुछ ऐसे शहरों के, मैं आपको नाम दिखाऊंगा स्क्रीन पे क्योंकि मैं आपको शहरों के नाम बता नहीं पाऊँगा, जैसे कि मुंबई है, कोलकाता है, फिर आपका हैदराबाद, बेंगलुरु, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं, ऐसे कुछ शहर हैं जहाँ पे रेड जोन जिनको बना दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वही हैं जो कुछ ऐसे शहर हैं जिनको केंद्र बना दिया गया है COVID-19 के, यानी रेड जोन में उनको बना दिया गया है। और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो कि ऑरेंज जोन जिनको बनाया गया है, बहुत सारे ज़िलों को रेड जोन बनाया गया है, बहुत सारे ज़िलों को ग्रीन जोन बनाया गया है। तो अपने यूपी में, यूपी की बात करते हैं, यूपी में बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे आगरा हो गया आपका, नोएडा हो गया, तो उन जो ऐसे ज़िले हैं कुछ उनको हॉटस्पॉट बना दिया गया है, यूपी की बात करते हैं। और कुछ ऐसे ज़िले हैं जैसे इलाहाबाद हो गया आपका, फिर बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिनको ग्रीन जोन में किया गया, यहाँ पर जहाँ पर कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है। और अपने आजमगढ़ की बात करते हैं, इसको ऑरेंज जोन में रखा गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे कुछ COVID-19 के जो पेशेंट्स हैं वो मिले हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि कैसे हम परचेजिंग कर सकते हैं स्मार्टफोन की अपने एरिया में। तो आपको जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके जो एरिया की अवेलेबिलिटी है, यानी कि जो आपका पिन कोड है वो वहाँ पर कौन से जोन में पड़ता है, और आप वहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो बात कर लेते हैं पहले रेड जोन की। तो दोस्तों रेड जोन में आप कोई भी नॉन एसेंशियल आइटम नहीं परचेजिंग कर सकते हैं किसी भी ई कॉमर्स साइट से। आपको जो एसेंशियल आइटम्स हैं वही परचेज आप कर पाएंगे, वो उसी की आपको डिलीवरी दे पाएंगे, आप उसी की शॉपिंग कर पाएंगे, ना कि आप नॉन एसेंशियल आइटम्स की शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि रेड जोन में आप कुछ भी नॉन एसेंशियल की आइटम की शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। और बात करते हैं ऑरेंज जोन की। जो ऑरेंज जोन है वो कुछ ऐसा है कि आप कुछ ऐसे आइटम्स होंगे, नॉन एसेंशियल ऐसे कुछ आइटम्स होंगे जिनकी आप परचेजिंग यानी जिनकी आप शॉपिंग कर पाएंगे, ऑरेंज जोन के अंदर रखा गया है जिनको। जो शॉपिंग का टाइमिंग होगा दोस्तों, यहाँ पे भी अभी शॉपिंग का टाइमिंग मेरा कुछ आया था तो सवेरे ऐसा बता रहे थे कि मॉर्निंग में 10 बजे तक वो शॉपिंग पे जो भी डिलीवरी बॉयज रहेंगे 10 बजे तक आपको अवेलेबल करा पाएंगे। लेकिन अगर आप उसके बाद चाहेंगे कि आप अपना कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कुछ अगर आपका शॉपिंग से आया है ई कॉमर्स वेबसाइट से, ऑनलाइन आपने बुक किया है, तो वो नहीं ले पाएंगे आप। और बात करते हैं ग्रीन जोन की। तो ग्रीन जोन में आप कोई भी नॉन एसेंशियल आइटम्स परचेस कर सकते हैं, आप चाहे स्मार्टफोन परचेस करना चाहें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ट्राईपॉड खरीदना चाहते हैं लॉकडाउन में, माइक खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे कैमरा खरीदना चाहते हैं, फ़ोन खरीदना चाहते हैं, लेकिन नहीं खरीद पाते। तो अब आपको छूट देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए हैं वीडियोज़ में वो है कुछ प्रूफ, जिसके जरिए आप चाहे तो एरियाज़ को जैसे जैसे डिवाइड किया गया है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में, तो आप ऐसे ऐसे परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन ग्रीन जोन में भी आप नॉन एसेंशियल आइटम्स की परचेजिंग कर सकते हैं दोस्तों।
तो यही था कुछ वीडियो जो कि न्यूज़ थी कि अब कैसे कैसे शॉपिंग आप कर सकते हैं रेड जोन में, ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में, आपको क्या क्या हिदायतें देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों अब आप अगर आप ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में हैं तो अवेलेबिलिटी अपनी चेक करिए, कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर जाइए, शॉपिंग करिए, अपने फ़ोन लीजिए, अपने मज़े करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा कि आप कैसे शॉपिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइए, आपका कोई कमेंट या सुझाव दोस्तों को नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ध्यान से बताइए फ्री में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग ऑलवेज दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।